हेलो दोस्तों, स्वागत है रेलिफेंस असम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप लोग को बोलूँगा एक छोटा सा इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में मैं आप लोग को इस वीडियो में बोलूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में एकदम एंड तक। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए आप लोग। लाइक बिल्कुल भी नहीं करते दोस्तों, लाइक कीजिएगा। अगर मेरे वीडियोज़ को अच्छा लगता है तो मेरा वीडियोज़ में लाइक कीजिएगा आप लोग, क्योंकि दोस्तों लाइक करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और नया वीडियोज़ बनाने में। और दोस्तों, साथ ही वीडियोज़ में आपको कैसा लगा मेरा जो वीडियो आप लोग देखते हैं, तो मेरा वीडियोज़ को आपको कैसा लगता है आप लोग को, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर कुछ जानना है तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। और तो दोस्तों, वीडियो का जो मेन टॉपिक है, तो उस टॉपिक में जाने से पहले मेरा एक सब्सक्राइबर है, शायद ये भैया कुछ जानना चाहते ट्रेन सर्विस के बारे में। तो इन्होंने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया कुछ ट्रेन जो कि डिब्रूगढ़ टू डेकरगांव या डेकरगांव टू डिब्रूगढ़, और आप लोग बोल सकते हैं कि जो कि न्यू तिनसुकिया टू नाहरलगन या नाहरलगन से न्यू दिल्ली तक, जो ये सब जो एक्सप्रेस ट्रेन चलता था बिफोर लॉकडाउन या कोरोना, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोरोना की वजह से बहुत सारे ट्रेन अभी रुक गया है। अभी भी बहुत सारे ऐसा ट्रेन है जो कि स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये ट्रेन सर्विसेज कुछ भी अभी तक, ये ट्रेन सर्विसेज का कुछ भी अभी तक NFR ऑफिशियल से कुछ भी अपडेट नहीं आया है, जो ये अजय गुरुंग भैया ने जो कि कमेंट बॉक्स में मेंशन किया है। तो इन ट्रेनों का कुछ भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो अगर कुछ भी नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियल नोटिस निकल के आता है इन ट्रेनों के बारे में, तो मैं आप लोग को ज़रूर मेरा वीडियो से आप लोग को सूचित करूँगा। तो दोस्तों, आते हैं जो मेन टॉपिक जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट के बारे में है, तो कि CRS ट्रायल। जी हाँ दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो एक बनाया था आप लोग को, शायद आप लोगों ने नहीं देखा। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में मैंने एक अपडेट बनाया था कि इलेक्ट्रिक इंजन लोको ट्रायल का जो एक था, एक इलेक्ट्रिक लोको ट्रायल था बिटवीन सोरुपेटा एंड न्यू बोंगाईगांव के बीच में। तो उसमें मैंने कुछ बोला था CRS इंस्पेक्शन का बात। तो दोस्तों, वो था 26 फरवरी में। मैंने जैसे कि उस अपडेट में बोला था कि 26 फरवरी में CRS इंस्पेक्शन होने वाला था, लेकिन दोस्तों ये CRS इंस्पेक्शन हुआ आखिर में ऑन 2 मार्च। जी हाँ दोस्तों, 2 मार्च में ये CRS इंस्पेक्शन हो चुका है। 2021 के 2 मार्च में ये इंस्पेक्शन हो चुका है। और दोस्तों, ये इंस्पेक्शन पूरे सक्सेसफुली ये इंस्पेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, ये जो पोर्शन रहा बिटवीन न्यू बोंगाईगांव एंड रंगिया के बीच में, जी हाँ दोस्तों, न्यू बोंगाईगांव से रंगिया के बीच में ये हाई स्पीड ट्रायल रहा है बाई इलेक्ट्रिक लोको। ये CRS यानी रेल कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया ये सेक्शन। और दोस्तों, जो बाकी के रिमेनिंग जो पोर्शन है अब तो गुवाहाटी तक, तो वो भी जल्द ही हो जाएगा, CRS के द्वारा इंस्पेक्शन जल्दी होगा। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए ये जो रिमेनिंग पोर्शन है जो कि रंगिया से लेके गुवाहाटी तक है, तो ये पोर्शन भी जल्दी से जल्दी CRS इंस्पेक्शन हो जाए। और हो भी जाएगा शायद जून तक या अप्रैल में, ऐसे में शायद हो जाएगा ये इंस्पेक्शन, ये जो पोर्शन है। तो दोस्तों, ये जो इंस्पेक्शन रहा जो कि न्यू बोंगाईगांव से लेकर रंगिया के बीच में, बहुत ही हाई स्पीड में रहा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट आप लोग को मैं प्रोवाइड करना, आप लोग देख लीजिए स्क्रीनशॉट, आप लोग को शायद दिख रहा होगा। तो जो कि DRM है रंगिया डिवीज़न के, जो DRM है डिविजनल मैनेजर, तो उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था, आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग को स्क्रीन में पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए जो कि इंजन रहा, जो कौन सा इंजन था आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए थोड़ा बहुत एक छोटा सा पिक्चर। तो दोस्तों, यही है एक छोटा सा इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि कुछ बोलने लायक है ही नहीं इस अपडेट में। मैं सिर्फ आप लोग को इतना बोलना चाहा कि जो इंस्पेक्शन था तो वो 2 मार्च में हो चुका है सक्सेसफुली। और अभी इंतज़ार है कि कब इलेक्ट्रिक लोको से इन जो कि इंस्पेक्शन सेक्शन में कब से इलेक्ट्रिक लोको से ट्रेन चलेगा, तो इसी बात का एक इंतज़ार है। तो दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते, लाइक बहुत आजकल कम करते हैं, आप लोग लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों, इस चैनल में जल्दी मैं लाइव आने के लिए कोशिश करूँगा, बहुत ही कम दिनों में, संडे तक शायद मैं आप लोग के साथ बात करूँगा संडे में लाइव आके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।